हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे परसेंटेज आपको कैसे निकालनी है ये एक बार अच्छे से और बता रहा हूँ, और इस सवाल का भी जवाब दूंगा कि क्या परसेंटेज निकालने में हम एडिशनल सब्जेक्ट के नंबर जोड़ सकते हैं। ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर आपको परसेंटेज निकालनी होती है ना, तो आपको एडिशनल से ऊपर के मेन पांच सब्जेक्ट लेने होते हैं, ठीक है। अगर एडिशनल में लैंग्वेज दे रखी है, जैसे यहाँ पर 10th क्लास का कोई बच्चा देख रहा है तो नीचे लैंग्वेज है, तो आप वो लैंग्वेज भी ले सकते हो ऊपर में एक लैंग्वेज हटा के। पर एक बात सुनो, अगर आपको जैसे कॉमर्स लेनी है, आपको साइंस स्ट्रीम लेनी है, तो उसमें बता रखा है कि इंग्लिश का सब्जेक्ट कंपल्सरी है, तो आप इंग्लिश के सब्जेक्ट की परसेंटेज तो जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। हाँ, आप हिंदी की जगह नीचे जैसे आपने संस्कृत उर्दू पंजाबी ले रखे तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन अगर जैसे आप कॉमर्स लेते हो तो उसमें आप देखोगे हिंदी या इंग्लिश की डिमांड की जाती है। तो जो लैंग्वेज अगर कंडीशन में दे रखी है तो आपको उसे लेना पड़ेगा, और आपको परसेंटेज जो है ना पांच मेन सब्जेक्ट की बतानी होती है, और वो एडिशनल जिसमें लिखा हुआ है ना उसको काउंट नहीं किया जाता। जैसे इस बच्चे की रिपोर्ट कार्ड है, तो अगर मुझे पता लगाना है कि इसकी कितनी परसेंटेज है, तो मुझे पांच मेन सब्जेक्ट इनको टोटल करना पड़ेगा और इसी के बेस पर परसेंटेज निकालेंगे। तो परसेंटेज निकालने का सिंपल तरीका यह है कि इन पांचों को ऐड करके पांच से डिवाइड कर दो, आपकी परसेंटेज निकल जाएगी। या दूसरे तरीके से, आप इस बच्चे के 500 में से कितने नंबर आए वो ऊपर लिखो, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे मुझे इस बच्चे की परसेंटेज निकालनी है, तो इसका मैं टोटल करूंगा तो 441 आएगा, ठीक है। तो 441 को सीधा 5 से डिवाइड कर दूंगा, 5 8 40, 5 8 40, 1 बचा, पॉइंट लगे 0 पड़ गए, 5 2 10, तो 88.2% इस बच्चे की मानी जाएगी। ऐसे आप 10th क्लास की भी देख सकते हैं। जैसे अगर हम ये 10th क्लास के बच्चे की बात करें और हमें इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो इन पांच सब्जेक्ट का टोटल कर देंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। ये जो एडिशनल सब्जेक्ट है इसको नहीं लेंगे। अगर जैसे बच्चा साइंस स्ट्रीम लेता है, तो ये हिंदी को रिप्लेस करके पंजाबी के नंबर भी ले सकता है, क्योंकि 3 में से 2 लैंग्वेज के मार्क्स को लेना जरूरी होता है। अब ये एडिशनल में IT लिखा ना, तो इसको हम परसेंटेज में नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। अगर इस बच्चे के परसेंटेज निकाल ले तो हम इसे टोटल करेंगे, तो 2 2 4 4 6 10 11 7 18, ऊपर 1 कैरी, तो 9 9 9 2 18, 9 3 27, 36 और 7 कितने हो गए, 43। तो 438 बच्चे का आए, तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 8 जा 40, 5 7 जा 35, पॉइंट लग गया 0 बढ़ गई, तो 5 6 जा 30, तो 87.6% मानी जाएगी। और जैसे अगर इस बच्चे को ये चेक करना है कि क्या मैं PCM ले सकता हूँ, तो PCM लेने के लिए 55% चाहिए एवरेज पांच सब्जेक्ट की, वो है इस बच्चे की। फिर कंडीशन देखी जाएगी कि इंग्लिश में, मैथ्स में और साइंस में, तीनों में 50 से ऊपर होने चाहिए, तो ये बच्चा साइंस PCM ले सकता है। अगर इस बच्चे को चेक करना है कि मुझे PCB लेनी है, तो PCB के लिए इंग्लिश में, साइंस में 50 से ऊपर चाहिए या 50 चाहिए, मैथ्स में 45 भी चलेंगे, तो ये PCB ले सकता है। क्या कॉमर्स विद मैथ के लिए SST को ध्यान में रखा जाता है, इंग्लिश को ध्यान में रखा जाता है? अगर विद मैथ लेनी तो मैथ को भी ध्यान में रखा जाएगा, अगर मैथ को नहीं लेना, उसे विदाउट मैथ लेना है, तो हिंदी या इंग्लिश दोनों में से और SST लेनी होगी। तो इस तरीके से क्राइटेरिया ना DOE ने इशू कर दिया है, आप उसको देखें और आप अच्छे से समझ जाए। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक जरूर किया कीजिए, ठीक है। मोटिवेशन के लिए अगर लाइक भी नहीं करना, तो कम से कम थैंक यू या कोई स्माइली कुछ तो लिखिए कमेंट में, ठीक है। तो इतना बहुत है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर स्टूडेंट्स।